प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन रविवार को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के पास बने हनुमान मंदिर में महाराणा प्रताप सेना ने हनुमान चालीसा पढ़ और भंडारा कर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच सीएम की फोटो रखकर हनुमान जी की पूजा की गई। इसी बीच महाराणा प्रताप सेना ने सीएम योगी के जन्मदिन का उत्सव बड़े पैमाने पर किया। इस मौके पर उनके समर्थक मौजूद रहे और सभी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है और उन्हें इस अवसर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी भी नहीं है। मुख्यमंत्री केवल अपने राजनीतिक सहयोगियों और नौकरशाहों से बधाई स्वीकार करते हैं। हालांकि इस साल सीएम योगी के समर्थक उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाते दिख रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होकर महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने कहा कि जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य और जिस तरह से योगी जी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम उनके 50वें जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं। और क्या कहा, आइए सुनाएं इस रिपोर्ट में। आज के दिन में मैं तो कहूँगा यहाँ तक कि कल के अवतार हैं योगी जी, और उनके आने से, उनके दोबारा पदस्थापित होने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, वो दोबारा पदस्थापित हुए हैं, ये बहुत ही हम लोगों को हर्ष का विषय है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हिंदुत्व ऑलरेडी जग रहा है, हिंदुत्व को हिम्मत मिल रही है, हिंदुत्व प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा है योगी राज में। तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि मन वचन और तीनों से योगी जी एकदम कोई फर्क नहीं है तीनों में, मतलब जो सोचते हैं उसको बिना लाग लपेट के एकदम बोलते। ये परम पूज्य आदरणीय महाराज और हम सबके अभिभावक और हम लोगों को प्रेरणा देने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज 50 वर्ष के हो गए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अभी 100 वर्ष उनकी आयु और रहे ताकि वो पूरे देश में एक अलग जगाने का काम करें। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हिंदू जगह है उनके नेतृत्व में। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुओं ने अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। आज हिंदू गर्व से कह सकता है कि हम रामचरितमानस, हम श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान चालीसा और शिव चालीसा जैसे पाठों का आयोजन हिंदू कराने के लिए तैयार हो चुका है। आज रोजी रोटी कमाने की आवश्यकता नहीं है, रोजी रोटी तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू अब धर्म में भी आगे बढ़ रहा है और महाराणा प्रताप सेना जन जागरण अभियान चलाकर हिंदुओं को जगाने का काम कर रही है। दिल्ली से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।